हाईवे के लिए तो भाई साहब ये किंग है बिल्कुल भाई साहब, अलग लेवल है गाइस, अलग लेवल है इस बाइक का। ओए होए 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 100 भाई साहब। सो गाइस मौसम एक बार चेक मारो, और इस मौसम में जो अपनी बाइक को हाइपर स्पीड के लिए निकाला है गाइस, सामने आप देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत सी बाइक और पावरफुल मशीन, जो कि गाइस क्या ज़बरदस्त लग रही है यार। जो इसकी धूप की जो रोशनी जो इसके ऊपर पड़ रही है ना, जो इसका ये ऑरेंज मेटेलिक जो कलर है गाइस, इसमें आपको क्या ही ज़बरदस्त चमचमाती हुई दिख रही होगी। सो अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, और गाइस अभी इसका ना एक बार फिर से हम लोग भाई साहब इसको हाइपर राइड पे निकालेंगे गाइस, और फुल पावर थ्रॉटल एंजॉय करेंगे आज इसकी हाइपर राइड को गाइस। और भाई साहब बहुत टाइम हो चुका है ना इस बाइक को अग्रेसिव राइड करते हुए। सो चलो स्टार्ट हो चुकी है अपनी गाड़ी, और रेडिएटर फैन भी चल चुका है क्योंकि भाई साहब गर्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली हो रही है। सो गाइस इस टाइम जो टेम्परेचर है ना, वो जो टेम्परेचर है 40 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम अपना यहाँ का मेरठ का। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। स्वागत है गाइस आपका एक और नए बेहतरीन से बढ़िया से व्लॉग में गाइस। होप सो गाइस आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। सो फाइनली गाइस अपन लोग आ चुके हैं हाईवे पे, बस थोड़ा सा हाईवे अपने को खाली मिले तो करते हैं बढ़िया सी हाइपर राइड और फुल थ्रॉटल फुल पावर एंजॉय करते हैं गाइस। सो एंजॉय इट, क्या बात है गाइस, भाई साहब क्या बात है, ये पावर जो है ना अमेजिंग मैन अमेजिंग भाई साहब। बहुत टाइम हो गया था गाइस इस पावर को फील करे हुए, इस पावर को महसूस करे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। बस थोड़ा सा अपने को ऐसी रोड मिलेगी, क्योंकि यार इस वाली रोड पे ना बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है गाइस, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्या बात है गाइस, ओहो हो 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 क्या बात है। 70-85 की स्पीड, बस थोड़ा सा गाड़ी आ चुकी है सामने की साइड, क्या बात है गाइस क्या बात है यार, बहुत ही अमेजिंग पावर यार। पता है इस KTM को भाई साहब पावर के मामले में यूं ही नहीं बोला जाता भाई, बहुत ही अमेजिंग पावर देती है भाई साहब। सडनली आपको रिस्पॉन्स करती है ये गाड़ी भाई, जब आप हाईवे पे निकल रहे हो ना और आपको पावर चाहिए और आपको ओवरटेकिंग करनी है, हल्का सा थ्रॉटल दो भाई साहब, ये अपना वो इनिशियल पावर दिखा देगी भाई साहब, क्या बात है, देख रहे हो गाइस क्या ज़बरदस्त। ये देखो भाई ज़बरदस्त हल्का सा थ्रॉटल मैं अगर वैसे भी कर रहा हूँ ना, ये चीज़ चेक मारो गाइस, क्या बात है यार। ओए होए होए पिकअप के मामले में है भाई साहब ये गाड़ी, मतलब आप ये मानो, ये देखो भाई साहब चौथे गियर में भी ना पॉपअप ऐसी हो रही है, ये भले व्हीली ना लगे लेकिन पॉपअप ज़रूर हो रही है गाइस, क्या बात है। देखो सडनली अगर मैं हल्का सा भी थ्रॉटल देता हूँ, क्या ज़बरदस्त तरीके से निकलती है ना ये बाइक, अमेजिंग मैन। ओहो हो हो इस राइड के लेना मैं बहुत दिन से, मतलब यार मैं सोच रहा था कि यार निकलूँ, लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा, मतलब यार अपने ड्यूटी का जो शेड्यूल है ना उसके हिसाब से भाई साहब बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा हिसाब ऐसा। चेक करो गाइस चेक करो भाई साहब, अलग लेवल है गाइस, अलग लेवल है इस बाइक का। ओए होए 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 100 भाई साहब, क्या और कहने हैं इस गाड़ी के लिए यार, क्या और कहूँ मैं, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस बाइक के लिए यार। सो जितनी भी अपनी लद्दाख सीरीज रिलेटेड जो अपनी वीडियोस चल रही है ना, अपनी अवेंजर को अपडेट करने के लिए, अपनी KTM RC को, मतलब दोनों में
कि कौन सी बाइक ज़्यादा बढ़िया रहेगी, मतलब कौन सी बाइक ज़्यादा बढ़िया रहेगी लद्दाख राइड के लिए, तो ये वाली चीज़ें देखने के लिए थोड़ा सा मतलब यही वाली चीज़ है कि अपने को ना ये जो बाइक है ना गाइज हाईवे के लिए तो भाई साहब ये किंग है बिल्कुल, आप ये मान लीजिए ठीक है। अगर आप हम इसको अगर हाइपर राइड में भी चलाना चाहते हैं ना तो भाई साहब पिलियंस के साथ ये कोई भी आपको इतना ज़्यादा मतलब बेकार फील नहीं करवाने वाली है भाई साहब, आपको पावर ही देने वाली है ये बाइक, चाहे उसमें आपके साथ लगेज हो, चाहे आपके साथ राइडर हो, चाहे पिलियंस हो, भाई साहब ये आपको भरपूर वही पावर देगी जो पावर अभी दे रही है इस टाइम ये, जैसे कि ये वाली पावर देखो, ये चेक मारो गाइस क्या बात है। सो ये पावर जो है ना गाइस, ये पावर आपको लगेज के साथ और प्लस पिलियंस के साथ देने वाली है ये बाइक। तो बस थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है कि अपनी KTM RC को तैयार किया जाए या फिर अपनी बजाज एवेंजर को तैयार किया जाए, बस थोड़ा सा यही है। तो अगर मैं सिंगल जा रहा होता ना तो डेफिनेटली मेरी ये बाइक मैं 100% लेके जाता, तो अभी बस थोड़ा सा ये है कि 80% अपना चांसेस हैं कि ये अपनी एवेंजर को ही लेके जाया जाए और 20% जो है अपनी KTM RC को लेके जाया जाए, क्योंकि साथ में पिलियंस भी है ना, तो थोड़ा सा भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, कैसा इसका हाइपर मोड एक्टिव लगा गाइज, और अपनी राइड कैसी लगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी गाइज अपना बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइज वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।